हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो इधर आप लोग देख सकते हो हंस यानी कि डक कितना अच्छे से नहा रहा है। इधर जो हमारा छोटा सा तालाब जैसे बोल सकते हैं, छोटा सा गड्ढा है जो बारिश का पानी इधर आके रुकता है, उसी में जो डक है बहुत अच्छे से नहाता है। नहाने के बाद फिर ऊपर आके अपना बदन को सुखाता है तो अच्छा लगता है देखने में। मैं सोची आप लोगों को भी दिखाऊँ तो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। सो गाइस, अभी मैं इधर आ गई हूँ किचन में और इधर आप लोग देख सकते हो मेरा बेटा कैसे कर रहा है। वो चिढ़ा रहा है तो मैं उसे पता है जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसी वजह से इस तरीके का उनके हरकत कर रहा है। तो इधर मैं जो डिब्बा जो धो के रखी थी वो डिब्बा लेकर आई हूँ और उसमें मैं मसाला भरूँगी और ये जो मैं काट रही हूँ ये खीरा है, काट के मैं बकरी को दूँगी, यानी कि मेरा बेटा को दे दूँगी बकरी को देने के लिए। और थोड़ा सा खीरा था तो खीरा जिसका एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसे नहीं खाना चाहिए, खाने से ना और एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा टुकड़ा था तो वो बकरी को यानी कि बकरा को देने के लिए मैं काट के रख दी हूँ। और इधर जो मसाला का डिब्बा है, मैं सोची मसाला का डिब्बा में मसाला भर के रख देती हूँ, लेकिन डिब्बा जो है ना सूखा नहीं है, सिर्फ नमक का डिब्बा सूख गया तो उसमें मैं नमक भर के रख दी हूँ और बाकी डिब्बा नहीं सूखा है। तो इधर मेरा बेटा आया है, वो पता नहीं वो पत्थर लेके आया था, थोड़े के लिए बच गया, जो कांच का जो बोतल है ना वो थोड़े के लिए बच गया, पत्थर उसके ऊपर गिरा नहीं है। उसको मैं डांट रही थी जो पत्थर लेकर क्यों आया है। तो चलिए फिर, तो नमक तो भर दी हूँ लेकिन डिब्बा में पानी पानी है तो उस डिब्बा को फिर से मैं सूखा दूँगी। तो मुझे पता नहीं था जो डिब्बा नहीं सूखा है तो उस डिब्बा को मैं बाहर फिर से रख दूँगी ताकि पूरा पानी जो है सूख जाएगा, उसके बाद मैं मसाला भर के रखूँगी। तो जो डिब्बा था उस डिब्बा को बाहर रखने के बाद इधर किचन को थोड़ा सा मैं पोछा लगा दूंगी और पूरा गंदा हो गया है। आप लोगों को पता है जो आंगन में मिट्टी डल रहा है तो इसके वजह से ना घर पूरा गंदा हो गया है, मतलब घर पूरा बालू बालू मिट्टी मिट्टी सा हो गया। जितना भी झाड़ू लगाओ सारा मिट्टी पाँव में चिपक के आ जाता है। तो किचन को पोछा लगा लेने के बाद फिर रूम को झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा करूंगी। तो चलिए फिर मैं अपना काम कर लेती हूं, फिर मिलती हूं आप सभी लोगों से। अभी मैं इधर आ गई हूँ किचन में नहा के, तो अभी मैं बनाऊँगी खाना। तो इधर ये है मूंग का दाल, मूंग का दाल को मैं भूनूंगी। और भूनते समय जब सेंट आता है ना तब आप सोचिएगा जो मूंग का दाल भून गया है। और मूंग का दाल जो बनाते हैं ना तो भून के ड्राई भून के बनाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी लगता है खाने में। तो इधर भून गया है, अभी मैं नमक हल्दी डाल दी हूँ, बिठा दूँगी। अभी इधर मैं दाल भी बिठा दी हूँ तो मेरे बेटा के लिए मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, उसे आलू तो मेरे बेटा को आलू रोटी बहुत पसंद है तो इसी वजह से आलू फ्राई करके दे दी हूँ, इधर खा रहा है ये। तो इधर हमारा दाल भी सीटी लग गया है, अभी मैं तड़का लगाऊंगी। तो तेज़पत्ता डाली हूँ, पांच फोरन डाली हूँ और सूखा मिर्च डाल दी हूँ तो निरामिष बनेगा। इधर अभी तड़का लगाऊंगी और कुछ दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना होता है तो इसी वजह से सिंपल सा ही तड़का लगा रही हूँ। तो मूंग का दाल इस तरीके से तड़का लगाने से ना और भी टेस्ट लगता है। तो चलिए खाना बना, चलिए गैस खाना बन गया है। अभी मैं खाना सबके लिए परोस रही हूँ तो खाना परोस लेने के बाद फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से खाना खा लेने के बाद भी। तो चलिए फिर आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं।
तो गाइस सबको खाना दे दिया है, मैं भी खा ली हूँ। और इधर जो बकरी का जो बैठने वाला है जहाँ घास खाता था, ये भी नया सा बनवाया है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं इधर आ गई हूँ, शाम का समय है तो थोड़ा सा बिस्तर को थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ। तो मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा है जो घर में मिट्टी डलवा रहा है तो उसी के वजह से पूरा धूल धूल हो जाता है, बिस्तर वगैरह भी मिट्टी मिट्टी हो जाता है। और बच्चा है तो मिट्टी से आके डायरेक्ट बिस्तर में चढ़ जाता है, तो इसी वजह से फिर से दोबारा बिस्तर को झाड़ना पड़ता है। तो अभी सारा बिस्तर को मैं अच्छे से झाड़ के फिर मिलाना है और थोड़ा सा कपड़ा भी धोना है मुझे, क्योंकि सब लोग बाहर काम चल रहा था तो मैं कपड़ा नहीं धो पाई थी, कपड़ा धोने से भी सुखाने का जगह नहीं था। तो अभी सारा काम अभी झाड़ झपटा यानी कि झाड़ने के बाद बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद झाड़ू वगैरह लगा लेने के बाद उसके बाद फिर मैं अभी कपड़ा धोऊंगी। थोड़ा सा शाम हो गया है लेकिन फिर भी कपड़ा धोना है, नहाया वाला कपड़ा है तो सारा कपड़ा को धो के अभी मैं सुखाऊंगी। तो चलिए फिर मैं अपना झाड़ू वाड़ू जो भी है कर लेती हूँ, साफ सफाई जो भी है कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, शाम भी हो गया है और इसके आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, इधर ही मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात है, मैं सिंपल सी लड़की हूँ, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, मुझे सिंपल सा ही ब्लॉग शूट करना आता है और मैं बाहर उतना कहीं जाती नहीं हूँ जो मैं बाहर का ब्लॉग शूट करूँ।
काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं जो तुम सिर्फ घर का ही दिखाती हो, घर का ही दिखाती हो, थोड़ा बोरिंग सा लगता है, तुम कुछ अलग करके दिखाओ। लेकिन मैं करूँ क्या, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं बाहर जाने से भी मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ। मेरा बेटा को घर में रख के जाती हूँ तो मोबाइल देख के जाती हूँ बाहर, तो इसी वजह से बाहर का मतलब कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए, आप लोगों को जितना भी पसंद आता है मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना पसंद आता है कि नहीं आता है। और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर, बाय बाय।